सब्सक्राइब करें मेरे इस यूट्यूब चैनल को और दबाएं घंटे का बटन, जिससे आप पाएंगे और नई जानकारियां और मेरे सारे नए वीडियोस। दोस्तों, भगवान आप सभी का भला करे और आपकी सारी मनोकामनाएं पूरी हो। दोस्तों, आज मैं आप सभी को इस हाथ में मिस्टिक क्रॉस से रिलेटेड महत्वपूर्ण जानकारी दूंगा, जो कि पाल्मिस्ट्री में बहुत शुभ एक चिन्ह होता है, जिसका बहुत शुभ परिणाम व्यक्ति के करियर पे और लाइफ पर पड़ता है। और उसके बाद इस हाथ का होल हैंड एनालाइज करूंगा। तो सबसे पहले वो शुभ चिन्ह आपको मैं बता दूं, जिसके विषय में मैं आप सभी से चर्चा करूंगा। हाथ के बीचों बीच एकदम इस एरिया में, मतलब आपके मस्तिष्क रेखा, ये जो होती है यहाँ से, इस प्रकार से जो ये रेखा निकल रही है, ये मस्तिष्क रेखा है। और यहाँ से जाने वाली रेखा को हम कहते हैं हार्ट लाइन, मतलब हृदय रेखा। और इन दोनों के बीच में बनने वाला ये संगम, जो कि आप देख पाएंगे यहाँ पर क्रॉस एक छोटा सा बनते हुए दिख रहा है, ये बहुत शुभ चिन्ह होता है। देखिए क्या होता है कि थोड़ी एडिशनल जानकारी आप सभी को देता हूँ कि जब किसी के हाथ में हृदय रेखा और मस्तिष्क रेखा में से कोई भी रेखा निकल के इस प्रकार से अगर जुड़े, तो ये हमको क्या बताता है कि ऐसा व्यक्ति जो सोचता है वो करता भी है। क्योंकि सोचना मतलब आपका माइंड हो गया, और करना मतलब आपका हर्ट हो गया, कि आप कितना करते हैं, आप मेहनती हैं कि नहीं, आप में आलस है, सुख सुविधा के इच्छुक ज़्यादा है कि प्रैक्टिकल माइंड रखने वाले हैं, भावुकता है, इस सब की जानकारी हृदय रेखा देती है और स्वास्थ्य के बारे में बताती है। और आपका जो भी सोच विचार है वो आपका मस्तिष्क रेखा बताता है। इन दोनों के बीच में जब भी कोई ऐसी रेखा जुड़े, तो देखा गया है कि ऐसा व्यक्ति जो सोचता है वो तकरीबन करने की भरपूर कोशिश करता है, बाकी अलग बात है कि सफलता मिलती है कि नहीं, किस हद तक करता है। और वहीं एक और रेखा इस प्रकार से मिलकर जब मिस्टिक क्रॉस हो जाए, तो हाथ में क्रॉस होने का सबसे सही परिणाम सिर्फ इसी स्थान पर मिलता है। ये स्थान होता है राहु का, और राहु के बीच के स्थान में जब इस प्रकार से, इन दोनों के बीच में जब इस प्रकार का क्रॉस बनता है, तो ये अत्यंत ही शुभ होता है। इसका मीनिंग ये निकलता है कि ऐसा व्यक्ति के देखा गया है कि बहुत ज़्यादा धार्मिक होता है, इनका जो भी धर्म कास्ट रिलीजन हो, उसके प्रति मान सम्मान ज़्यादा होता है, आदान प्रदान ज़्यादा होता है। दूसरा ऑकर्ड साइन, मतलब रहस्यमय विद्याओं में बहुत ज़्यादा रुचि रखने वाला होगा। और देखा गया है कि ऐसे लोग ऑकर्ड साइंस में, मतलब रहस्यमय विद्याओं में, बहुत ऊँचे पद तक चल जाते हैं, बहुत अच्छी विद्याएँ ये अर्जित जो है कर पाते हैं अपने लेटर एज में आकर के। और ये रेखा, जैसे कि ये जो इनके हाथ में क्रॉस बन रहा है, ये क्रॉस बन रहा है सूर्य पर्वत के ऊपर, तो ये अत्यंत ही शुभ है। फेम पॉपुलैरिटी मिलने के चांसेस ज्यादा होंगे रहस्यमय विद्याओं में इनके। तीसरा ये है कि लीडरशिप क्वालिटी ऐसे लोगों में अच्छी पाई गई है। और ये देखा गया है कि ऐसे लोगों को, बस यही एक मैं सजेस्ट करना चाहूंगा जब भी किसी के हाथ में इस प्रकार से क्रॉस बने, कि ऐसे लोगों को अपनी सोच और नियत जो है बहुत साफ सुथरी और बहुत ऊपर के रखनी चाहिए। क्योंकि ऐसे व्यक्ति देखा गया है कि इनकी जैसी सोच रहती है वैसा ये बन जाते हैं। हमेशा इनको यही सजेस्ट करूंगा कि कभी भी अपनी छोटी जो सोच है ना, उसको कभी भी छोटा ना रखें, बहुत ऊंचा ऊंचा सोचें, आप वहां तक जरूर पहुंचेंगे, क्योंकि उसकी निशानी यही है। क्योंकि ये बता रहा है कि आपके सोचने और करने में कोऑर्डिनेशन बहुत बेस्ट है। अब क्या है कि इन लोगों में एक जो, मतलब कमी में निकालो तो यही है कि ये लोग ज़्यादा ओवरथिंकिंग नहीं सोचते हैं, या कह सकते हैं कि ऊपर की सोच नहीं रखने वाले होते हैं, लिमिटेशन लगा के रखते हैं। लेकिन अगर वो अपने लिमिटेशन को हटा दें तो बहुत अच्छा सक्सेस मिलेगा। ये जो क्रॉस है, बहुत मतलब अच्छे लोगों में, बहुत महान महान लोगों में पाया गया, जो कि जो मतलब इस दुनिया में इतिहास रच के गए हैं। और अगर आप लोग जानते हो उनको हमारे, तो ये क्रॉस जो है अत्यंत ही शुभ माना गया है। तो इसी के विषय में मैं आप सभी को खासकर बताना चाह रहा था। अब मैं आता हूँ इनके होल हैंड एनालाइज पर। तो सबसे पहले इनके पाल्म के विषय में चर्चा कर लिया जाए, तो शुक्र जो है ज़्यादा उभरा हुआ है यहाँ पर, और अदरवाइज़ देखा जाए तो पाल्म जो है नॉर्मल है यहाँ पर, कोई इसमें ज़्यादा मुझे प्रॉब्लम देखने को नहीं मिल रहा है रंग के हिसाब से। और अब इनके यहाँ पर फिंगर के ऊपर हूँ, तो फिंगर की लेंथ मुझे जो है लॉन्ग दिख रही है पूरे हाथ के कंपैरिजन में, तो एनालिटिकल पर्सनैलिटी रहने वाली है। मतलब ऐसे लोग कोई भी डिसीजन लेने से पहले या कोई भी नया कार्य शुरू करने से पहले अच्छे से एनालाइज करते हैं, और हर बात की जानकारी और परख रखने वाले होते हैं। थोड़े जिद्दी किस्म के भी होते हैं, या कह सकते हैं कि चतुर चालाक भी होते हैं। मेनली ऐसे व्यक्ति जो है अपना काम निकलवाने में हमेशा माहिर होते हैं, शाम दाम दंड भेद कुछ भी करके काम निकलवाते हैं। और ऐसे लोगों को सीधा हम लोग जो है नहीं कह सकते, ये लोग थोड़े टेढ़े किस्म के होते हैं।
फिंगर के ऊपर चर्चा और यहाँ पर गहराई से किया जाए तो थर्ड फिंगर और फर्स्ट फिंगर में थर्ड फिंगर की लेंथ ज्यादा है, मतलब सन की क्वालिटीज इनके अंदर ज्यादा रहेगी, रिस्पेक्टिव और रेपुटेटिव पर्सनैलिटी रहेगी, साथ ही साथ रॉयल लाइफ जीने के ज्यादा इच्छुक होंगे। ऐसे लोग जो है मतलब ऊंचे ऊंचे लोगों के साथ उठना बैठना ऐसे लोगों को ज्यादा पसंद आता है और हमेशा मतलब रॉयल्टी में रहना चाहते हैं। अच्छी बात यह होती है कि ऐसे लोगों में कोई ना कोई एक बहुत अच्छी कला पाई गई है जिसको अगर वो लोगों के सामने लाए और बाहरी दुनिया में लाए तो लाइफ में एक ना एक बार बहुत अच्छा फेम पॉपुलैरिटी मिलने के चांसेस ऐसे लोगों को बनता है। वहीं लिटिल फिंगर की लेंथ तकरीबन ठीक है, थर्ड फिंगर के फर्स्ट पोर से थोड़ा ऊपर है तो कम्युनिकेशन स्किल अच्छी रहने वाली है, वहीं शर्मिलापन ज़्यादा नहीं होगा अपोजिट सेक्स के प्रति। मतलब ऐसे जो व्यक्ति हैं स्ट्रेंजर या नए लोगों के सामने अपनी बात प्रॉपरली रखते हैं, इनमें ज़्यादा हिचकिचाहट या घबराहट नहीं होती। और फिंगर के ऊपर सीधी खड़ी रेखा जो आप देख पाएंगे ये अत्यंत ही शुभ है, ये शो कर रहा है इनके फ्रेंडली नेचर को, मिलनसार स्वभाव को। ऐसा व्यक्ति जो है लोगों के साथ आसानी से घुल मिल जाता है, इन्हें ज़्यादा दिक्कत परेशानी नहीं होती है और तकरीबन हर माहौल में ढलने वाले होते हैं और हर प्रॉब्लम को फेस करने वाली हैबिट ऐसे लोगों में पाई गई है। थोड़ी आड़ी रेखा जो है शुभ नहीं होती है, ये अपनों से ही अनबन मतभेद मनमुटाव रहने के चांसेस को शो करता है। इसके दो कारण होते हैं हमेशा, एक तो व्यक्ति का गुस्सेल स्वभाव इसका कारण बनता है, नहीं तो व्यक्ति जो है इमोशनल बहुत होता है जिसके कारण लोग आसानी से ऐसे लोगों का उपयोग कर पाते हैं। इसके बाद इनके हाथ में अब हम आते हैं पर्वतों के विषय में। सबसे पहले तो गुरु पर्वत जो है इनका शुभ है, उभरा हुआ है और गुरु पर्वत पर कुछ इस प्रकार से शुभ चिन्ह भी देखने को मिल रहा है। यह बताता है कि ऐसा व्यक्ति अपने पारिवारिक जीवन में बहुत ज़्यादा ही खुशहाल रहेगा, अच्छा खासा प्रतिष्ठा इज्जत सम्मान मिलने के चांसेस ऐसे लोगों को जो है पाए गए हैं और सुख सुविधा की ज़्यादा कमी नहीं होती है। शनि पर्वत की अब यहाँ पर मैं चर्चा करूँ तो उभरा हुआ है, मेहनती होंगे और यहाँ तक पहुँचने वाली रेखा मनोकामनाओं को पूरा करते हुए दिख रही है। एक रेखा यहाँ से शुरू होते हुए भाग्य रेखा ये होती है और भाग्य रेखा यहाँ से यहाँ तक गई है और तकरीबन 40 समथिंग एज में जो है प्रोफेशन में चेंजेस होगा, उसके बाद फिर एक और चेंजेस होते हुए उसके बाद दिख रहा है, तब जाके ये थोड़ा सा इसमें जो ब्रोकन है ये ब्रोकन लक लाइन जो है सही नहीं होती है। ये बता रहा है कि थोड़ा सा लक में कमजोरी मिलने की मतलब इनको मिलेगी 35 एज के बाद और 60 एज के बाद, अदरवाइज देखा जाए तो नॉर्मल है। सूर्य पर्वत और शनि पर्वत के बीच में ये रेखा नॉलेज लाइन होती है। ऐसा व्यक्ति नॉर्मल फैमिली में जन्म लेने के बाद भी अच्छा ज्ञान अर्जित करता है और समाज में अपने ज्ञान के कारण बहुत उच्च पद हासिल कर पाता है। सूर्य की यहाँ पर मैं चर्चा करूँ तो सूर्य पर्वत नॉर्मल है, फेम मिलने में थोड़ा लेट जरूर होगा इनको, क्योंकि यहाँ पर भी रेखाएं जो हैं बिखरी हुई हैं, कोई भी जो है सटीक नहीं है, फेम पॉपुलैरिटी मिलने में देरी होगी और एक से ज़्यादा रेखा कंफ्यूजिंग माइंड को शो करता है, तो एक से ज़्यादा कला होगी जिसके कारण कंफ्यूजिंग माइंड होगा, अदरवाइज देखा जाए तो नॉर्मल है। और मरकरी पर एक रेखा शुभ है और भाग्य रेखा से भी शुरू होने वाली ये रेखा बहुत शुभ है। ऐसा व्यक्ति में देखा गया है कि ये जो है एक प्रकार का बिजनेस लक होता है, इसे बिजनेस लाइन और बिजनेस लक ही कहा जाता है, जो कि शो करता है कि ऐसा व्यक्ति दूसरों के कंपेरिजन में बिजनेस में अच्छा सक्सेस, नेम फेम पॉपुलैरिटी साथ मनी सब कुछ हासिल कर सकता है। तो बिजनेस के द्वारा ज़्यादा धनार्जन है, क्योंकि यहाँ पर मनी ट्रेंगल भी जो है इनके हाथ में थोड़ा बनते हुए दिख रहा है, कुछ इस प्रकार से यहाँ पर माइंड लाइन है और इसके यहाँ पर जो यहाँ पर मनी ट्रेंगल बन रहा है वो थोड़ा सा ओपन रह गया है, तो मनी तो इनके पास बहुत अच्छा आएगा लेकिन रुक नहीं पाएगा, बच नहीं पाएगा, टिक नहीं पाएगा। तो यही सजेस्ट करूँगा कि जब भी अच्छा धन आए लाइफ में कहीं ना कहीं इन्वेस्ट कर दें, तो रुकेगा भी, बढ़ेगा भी और बचेगा भी। अब इनके मैं यहाँ पर आता हूँ माइंड लाइन के ऊपर, उससे पहले हार्ट लाइन की चर्चा कर लेता हूँ। तो हृदय रेखा कुछ इस प्रकार से इनके हाथ में निकलते हुए गई है और तकरीबन 30 एज के बाद से थोड़ा सा जो है चेंजेस होते हुए दिख रहा है इनके स्वभाव में। पहले ये बहुत ज़्यादा ही इमोशनल रहने वाले थे लेकिन 30 एज के बाद से प्रैक्टिकलिटी इनके अंदर बहुत अच्छी आ जाएगी। हेल्थ की चर्चा की जाए तो नॉर्मल है, ठीक है, कोई मुझे प्रॉब्लम नहीं दिख रहा ज़्यादा। माइंड लाइन की चर्चा करें तो स्टार्टिंग में स्टडी से रिलेटेड इनको थोड़े से प्रॉब्लम फेस करने होंगे, क्योंकि इस प्रकार से छोटे द्वीप और क्रॉसेस ज़्यादा देखने को मिल रहे हैं, तो पढ़ाई संबंधी या शिक्षा संबंधी विद्याओं में थोड़ा सा इनको जो है कठिनाइयों का सामना करना पड़ा है। और नीचे की ओर आने वाली रेखा शो करती है ओवर थिंकिंग को, तो ऐसे लोगों में काल्पनिकता साथ ही साथ इमेजिनेशन स्किल ज़्यादा होती है और इस प्रकार का जो चिन्ह लास्ट में बनता है, वाई सिंबल बनता है, ये शुभ माना गया है।
ऐसे व्यक्ति का माइंड जो है स्ट्रांग होता है और ऊपर की ओर उठने वाली रेखा जो है बिजनेस में बेनिफिशियल साबित होती है। थोड़ा ऊपर की ओर जाने वाली रेखा और विभाजित जो है मस्तिष्क रेखा वो शुभ होती है। ऐसा व्यक्ति दो तरीके से सोचने वाला और हर बात को या हर किसी भी डिसीजन या कोई भी कार्य को हर तरीके से सोचने वाला होता है। बेशक इनके हाथ में ज़्यादा स्टडी या लॉन्ग स्टडी अवेलेबल नहीं है, परंतु जितना भी है ज्ञान अच्छा अर्जित करेंगे और दुनियादारी का अच्छा इनको नॉलेज रहने वाला है। लाइफलाइन की यहाँ पर जो है चर्चा की जाए तो लाइफलाइन का फ्लो कुछ इस प्रकार से निकलते हुए शुक्र पर्वत के नीचे तक आ रहा है, तो परिवार को ज़्यादा महत्व देने वाले रहेंगे। साथ ही साथ परिवार से गहरा इनका अटैचमेंट रहेगा, उनसे दूर रह पाना थोड़ा मुश्किल रहेगा और अपने जो वास्तविकता है उसमें ही ऐसा व्यक्ति रहना ज़्यादा पसंद करता है, ज़्यादा जो है दिखावटी नहीं होता है और घर परिवार से जुड़ा अपने का अपने जो धर्म भूमि है उससे ज़्यादा जुड़ा हुआ होता है। उम्र की चर्चा की जाए तो 85 प्लस इनकी एज में आसानी से यहाँ पर प्रिडिक्ट इनके लिए कर सकता हूँ और इनको जो कष्ट देखने को मिल रहा है वो थोड़ा शुरुआती जीवन में देखने को मिला, क्योंकि बहुत बारीक यहाँ पर इनके हाथ में इस प्रकार से त्रिप बनते हुए देखा जा रहा है। तो 18 प्लस एज के बाद से जो है प्रोग्रेस होना स्टार्ट हुआ है, जो गुरु तक पहुँच रही है रेखा, ये शुभ है, प्रोग्रेस को ये शो कर रही है। उसके बाद भी कुछ कष्ट देखने को मिल रहे हैं मंगल की ओर से। 18 के बाद 20 समथिंग एज में एक्सीडेंट के चांसेस थोड़े से देखने को मिल रहे, पर जो है टल गया होगा, और उसके बाद से थोड़े और कष्ट यहाँ पर देखने को मिल रहा है तकरीबन 30 और 28 एज के बाद में। तो इसके उपाय जो हैं वो मैं बता दूंगा कि क्या करने रहेंगे। राहु की तरफ से आने वाली रेखा ये शुभ नहीं होती है, परंतु तकरीबन और बारीकी से यहाँ देखेंगे तो ये जो एज है ये तकरीबन 24-25 एज के बाद से एक गार्जियन एंजल लाइन चलते हुए दिख रही है, जैसे सपोर्टिव और प्रोटेक्शन लाइन भी कहते हैं। ये शो कर रहा है जब ये स्टार्टिंग से स्टार्ट नहीं होते, बीच में शुरू होता है, तो ये वाइफ के बारे में भी बताता है कि वाइफ के आने के बाद से मतलब इनके लाइफ में जो है प्रोटेक्शन अच्छा मिलेगा, या कह सकते हैं कि सपोर्ट उनका अच्छा मिलने का चांसेस है। अब वहीं यूनियन लाइन की भी अगर मैं चर्चा करूँ तो वो जो यूनियन लाइन या देखने को मिल रहा है वो तकरीबन 26 एज के बाद से ज़्यादा देखने को मिल रहा है, तो अफेयर के बाद शादी होने के चांसेस इनके हाथ में ज़्यादा रह रहा है। इसके बाद यहाँ पर आते हैं इनके मंगल की ओर पर, तो मंगल से निकलने वाली इस प्रकार की रेखा जो माइंड लाइन से जुड़ी है, तो ये व्यक्ति जो है अपने लाइफ में प्लानिंग खूब करेंगे और उन प्लानिंग के अंदर चेंजेस भी बहुत लाएंगे और एनर्जेटिक मतलब आत्मनिर्भर ज़्यादा रहने वाले होंगे। शुक्र पर्वत थोड़ा कम स्पेस ले रहा है, थोड़ा सा यहाँ पे नेगेटिव चिन्ह ज़्यादा दिख रहा है, ये अननेसेसरीज वरीज लाइन है। तो पारिवारिक संबंधी, हेल्थ संबंधी और दाम्पत्य जीवन से थोड़ा रिलेटेड आगे जा करके 45 एज के बाद से थोड़ा सा जो है प्रॉब्लम ज़्यादा रह सकता है, क्योंकि ये जो सपोर्टिव और प्रोटेक्शन लाइन ये थोड़ा डिस्टेंस बनाते हुए चल रही है। पहले तो बहुत गहरा अटैचमेंट इसका दिख रहा है, परंतु उसके बाद थोड़ा डिस्टेंस दिख रहा है, तो थोड़ा सा दूरियाँ भी जो है बनेगी। सीधी खड़ी रेखा शुभ है, ये अपॉर्चुनिटीज को शो करती हैं, इनके पास अपॉर्चुनिटीज अच्छी आएंगी लाइफ में, बस यही है कि मौका देख के चौका मारे और ये प्रमोशन के चांसेस भी बेटर रहेंगे। केतु का एरिया की चर्चा की जाए तो केतु एरिया इनका नॉर्मल है, इस प्रकार से थोड़ा सा इनका फिश साइन बनते हुए थोड़ा दिख रहा है, तो ये शुभ ही होता है। ट्रैवलिंग खूब करवाएगा, ट्रैवलिंग के दौरान सक्सेस अच्छा मिल सकता है और अचानक से धन लाभ के योग बनेंगे। यहाँ पर शुक्र पर्वत की ओर से आने वाली ये जो रेखा इस प्रकार से चंद्र पर्वत तक गई है, तो ये एडिक्शन लाइन होती है, थोड़े किसी चीज़ के ये एडिक्ट हो सकते हैं, अगर नहीं है तो बहुत अच्छी बात है, और अगर आप किसी भी चीज़ के एडिक्टेड हैं तो उससे जल्द से जल्द छुटकारा पाने की कोशिश करें। और वहीं चंद्रमा की यहाँ पर चर्चा की जाए तो चंद्रमा शुभ है, चंद्रमा पर इस प्रकार की एक से ज़्यादा रेखा जो है फॉरेन ट्रेवलिंग चांसेस को शो करती है, तो विदेश जाने के योग इनके हाथ में अच्छे देखने को मिल रहे हैं। अब राहु की चर्चा की जाए तो राहु पर्वत यहाँ नॉर्मल है, यहाँ पे कोई ज़्यादा पॉजिटिव या नेगेटिव इम्पैक्ट नहीं देने वाला रहेगा। और वहीं यहाँ पर और बारीकी से आए तो यहाँ पर अंगूठे के ऊपर यव का चिन्ह देखने को मिलेगा, जो कि इनको धार्मिक खूब बनाएगा और इंटेलिजेंस भी अच्छी देगा। वहीं चाइल्ड लाइन से पता चलता है कि इनको एक बेबी बॉय होने के चांसेस और बेबी गर्ल भी इनको है, लेकिन ये हमेशा जो है एक्यूरेट नहीं होता है, क्योंकि इसमें हमेशा मतलब वाइफ का भी हैंड देखना होता है। तो इस हाथ में तकरीबन जितनी बातें थी सब मैंने कवर करने की कोशिश करी, और कोई अगर आपका किसी का प्रश्न रह गया हो तो जरूर पूछे कमेंट सेक्शन में। वीडियो पसंद आया हो तो जरूर लाइक करें। तब तक आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।